अपन ये 100 मन का करने दादा जी जी 100 मन का जी जी इधर भाई जान रिश्तेदारी को सलाम चल रहा है आपको मिल गया ये खाली है 2 घंटे से खड़ा हूँ अगर लाइन तो वो है ना आने वाले से वो है ये प्रोटोकॉल वाले आए हुए हैं तो बड़ी तादाद में जो जायरीन है वो भी आ रहे हैं ये इस वक्त जो मरकजी सबील है हम उसके अंदर मौजूद है और एक बंदे को एक ही दिया जाता है जी सर एक ही दिया जाता है वीडियो जरा बनाए ना वहाँ पे ये मुझे लगता है एक से ज्यादा इस वक्त देख सकते हैं कि आप ऑटोमेटिकली वहां पर दूध पैक किया जा रहा है उस और उस मशीन के जरिए से जो है आगे लोगों को दिया जा रहा है मेन कंटेनर ये जी मेन कंटेनर यहाँ ये यहाँ पे दूध पेश करते हैं सर ठीक है सारा दूध यहाँ पर पेश होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आपका मेजबान सैयद राहिल हुसैन रिज़वी आपकी खिदमत में हाजिर है और इस वक्त हम दाता की नगरी में मौजूद है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि दूध वाले भी आ रहे हैं गुजर ब्रदर पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर दूध लेकर आ रहे हैं और आवाम की एक अच्छी तादाद यहाँ पर मौजूद है और बड़ी तादाद में जो जायरीन है वो भी आ रहे हैं ये इस वक्त जो मरकजी सबील है हम उसके अंदर मौजूद हैं और गुज्जर ब्रदर जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से आए हैं और दूध लेकर आ रहे हैं यहाँ पर और हम वो तमाम तर इंतजाम का भी जायजा लेते हैं कैसा इंतजाम किया गया यहाँ पर आने वाले जायरीन के लिए किस तरह से उनको दूध पेश किया जाता है जी बिल्कुल ये इस साल का इंतजाम नहीं है ये गुस्सा 100 साल से इस तरह सबील का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे सरकार के मानने वाले जायरीन दूध पेश करते हैं और यही वाला दूध जो आगे जायरीन यहाँ पे ज्यारत के लिए आए होते हैं और जो सलाम पेश करने के लिए आए होते हैं उन्हें लंगर के तौर पे उनको पेश किया जाता है सुभान अल्लाह तो आपने कब से ये टाइम शुरू किया हुआ है ये काम जी तकरीबन 100 साल हो गया है 100 से अभी आज के रोज आज सर इसकी तकरीबन जोहर के बाद इसका इफ्तिताह किया गया जनाब बिलाल यासिन साहब और जो हमारे दूसरे सेक्रेटरी औकाफ हैं उन्होंने आगे यहाँ पे इसका इफ्तिताह किया है उसके बाद से सबील जारी है और इंशाल्लाह ताला 3 दिन तक मुकम्मल ये सबील जारी अच्छा, मजीद हमें ये आप विजिट करवाएंगे कि सबील किस तरह से सर जरूर जरूर अभी हम इस साइड पे चलते हैं जी आते हैं नाजरीन इस साइड पे अभी हम चलते हैं और मेन सबील जो है वो इसी तरफ है दूध पेश होता है ये कंटेनर में दूध आता है यहाँ से आगे पाइपों के जरिए अंदर वाले कंटेनरों में जा मेन कंटेनर ये जी मेन कंटेनर यहाँ ये यहाँ पे दूध पेश करते हैं सब ठीक है सारा दूध यहाँ पर पेश होता है तो ये कंटेनर कितने मन के इसके अंदर कितने लीटर सर तकरीबन ये 100 मन का कंटेनर जी जी 100 मन का जी जी यहाँ से फिर पाइप्स के जरिए जी सर मोटरें लगी हुई हैं ये पाइप्स आपके सामने हैं पाइप्स के जरिए फिर अंदर ये दूध पेश होता है बिल्कुल साफ साफ सुथरे हाइजीनिक का बहुत इंतजाम किया गया है चेकिंग वाले यहाँ पे मौजूद है टेस्ट करके हर चीज परफेक्ट करके फिर आगे भेजते हैं जो दूध आ रहा है उसको भी चेक किया जाता जी जी सर बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो हाइजीन यानी हाइजीन का बहुत ख्याल है यहाँ पे किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है दूध बिल्कुल खाली सर यहाँ पे मिलावट वाला दूध यहाँ पेश ही नहीं हो सकता बिल्कुल खालिस ठीक हो गया अच्छा ये जायरीन के रास्ता किस तरफ से सर ये बाहर से ही रास्ता है इनके अंदर आने के लिए अंदर आने के बाद ये यहाँ पे लाइनें लग जाती हैं लाइनों के जरिए आगे जाते हैं और आगे जाके मशीन लगी है उसकी भी मैं आपको ना आगे चले मैं आपको दिखाता हूँ जी नाजरीन और जो सर कह रहे हैं कि मशीन वो मशीन भी हम देख रहे हैं ये पाइप्स हैं जी ये पाइप्स के जरिए इन कंटेनर्स में दूध आता है ठीक हो गया वहाँ से शुरू जी शुरू से यहाँ पे सप्लाई होता है इन कंटेनर्स में दूध आता है इन कंटेनर्स के बाद ये आगे स्पेशली एक मशीन लगाई गई है जिसमें पैकेट्स में दूध ऑटोमेटिकली बन जाता है ऑटोमेटिकली पैकिंग जी जी बिल्कुल ऑटोमेटिक पैकिंग हो रही है हम जरूर देखेंगे जी जी सर सर ये आगे पैकेट्स में दूध बन गया फिर इसी तरह आगे ये कतार लगी है सब लेने वालों की और यहाँ पे तकसीम कर दिया जाता है ये जो एक पैकेट है वो कितने लीटर इसमें सर इसमें तकरीबन 1 लीटर का पैकेट होता है और इसी तरह 1-1 लीटर के पैकेट ऑटोमेटिकली रेडी हो गए वो आगे तैयारी में आ जाते हैं बंदे को एक ही दिया जाता है जी सर एक ही दिया जाता है वीडियो जरा बनाए ना वहाँ पे ये मुझे लगता है एक से ज्यादा शॉपिंग बैग जा रहे हैं वो सर वो भी जी जी अच्छा वो जानने वालों को जी जी बिल्कुल नाजरीन इस वक्त देख सकते हैं कि आप ऑटोमेटिकली वहां पर दूध पैक किया जा रहा है उस और उस मशीन के जरिए से जो है आगे लोगों को दिया जा रहा है और जिस तरह से ये स्टिक्स के साथ लोगों को कर रहे हैं भाईजान इधर भाईजान रिश्तेदारी को सलाम चल रहा है आपको मिल गया अभी ये खाली है 2 घंटे से खड़ा हूँ आपका भी कोई रिश्तेदार है आप नहीं बड़ा शॉपर लेकर आए बोधी गुज्जर है वो पता नहीं किसी खुड में घुस गया अच्छा बोधी गुज्जर मतलब आप उसके रेफरेंस से आए मैं रेफरेंस से नहीं आया उसने कहा था मुझे आगे फोन करना दूध बात है ना फोन मिल रहा है अगर उसने उठा भी लिया तो उसने दूध नहीं देना सर लाइन तो वो है ना आने वाले से वो है ये प्रोटोकॉल वाले आए हुए हैं यानी कि आप प्रोटोकॉल में आए हैं आप प्रोटोकॉल से
नाजरीन प्रोटोकॉल वालों को भी ये बड़ी बड़ी मुजहिका खेज बात है कि जो लोग प्रोटोकॉल से आ रही है उनके साथ भी ऐसा सलूक किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगी सर? आज बेसिकली मैंने ये आज फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे जो होता है वो हुजूर के चिराग का दिन होता है, इसीलिए वजह से यहाँ पे दूध जो है ना कम पेश होता है। इंशाल्लाह ताला सेकंड डे थर्ड डे इतना दूध पेश होता है कि यहाँ पे हमसे संभालने में नहीं आता। यहाँ पे 3 से 4 गाड़ियाँ बड़े बड़े कंटेनर 500-500 लीटर के, 1000-1000 लीटर के लगा दिए जाते हैं जिनमें दूध स्टोर किया जाता है। माशाल्लाह इस तादाद में दूध यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक और मैं बात बताना चाहूँगा। देखें जो पहला दिन है यहाँ पर दूध की जो वो कह रहे हैं कि कम आता है, कम क्वान्टिटी आती है। बाहर लोगों में भी यही बातें पाई जा रही हैं, हर कोई यही बातें कर रहे हैं कि दूध जो है वो दिया नहीं जा रहा है। लेकिन जिस तरह से वो बता रहे हैं कि यहाँ पर 1 किलो का पैकेट हमने भी देखा है कि लोग लेकर जा रहे हैं, लेकिन दूध कम क्वांटिटी होने की वजह से ये ज्यादातर मामलात इस तरह खराब होते हैं, डिस्टर्बेंस होती है। इंशाल्लाह ताला सुबह से दूध आना स्टार्ट हो जाएगा। लाहौर में तो लाहौर वाले तो आज जितना पेश करते हैं, लेकिन लाहौर के बाहर से माशाल्लाह कल बहुत दूध आता है। फैसलाबाद से और उसके मलिका इलाके जो इर्द गिर्द में है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दूध यहाँ पे पेश करते हैं। गाड़ियों को गाड़ियाँ भर भर के यहाँ पे दूध लेके आते हैं। तो और इंशाल्लाह ताला हमने तकसीम ही करना है और इंशाल्लाह ताला जितने ज़ायरीन हैं सरकार के मानने वाले हैं सबको पेश करना है इंशाल्लाह ताला। जी नाजरीन, ये इस वक्त आप जो है वो लाइव मनाजर इस वक्त देख रहे हैं कि ये सबील में इंतज़ामिया के हमारे साथ मोहतरम भाई मौजूद थे और यहाँ पर जिस तरह से ज़ायरीन को दूध पेश किया जा रहा है। तो यहाँ पर कोई भी आप कह लें कि अब भाई ने खुद बात की है, ये अंकल मौजूद थे, इन्होंने खुद बताया कि जो VIP तरीके से अंदर आ रहे हैं उनको भी मतलब सेम आप कह लें कि स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, यानी जो आम ज़ायरीन है जो VIP प्रोटोकॉल में आ रहे हैं तो सब के साथ जो है वो सेम ही मामला हो रहा है। लेकिन जब दूसरा और तीसरा दिन होगा, दूध ज़्यादा होगा, तो फिर इंशाल्लाह ताला इस तरह की जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है और लोगों में भी जो तशवीश पाई जा रही है, जी इंतज़ामिया कोऑपरेट नहीं करती, कोऑपरेटिव नहीं है, वो अपने लोगों की करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मामला है। दूध की क्वान्टिटी कम होने की वजह से ज़रूर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, अदरवाइज़ जो है वो मामला बिल्कुल सही तरह से चल रहे होते हैं। अच्छा, ख़वातीन भी इसी लाइन में आती हैं? जी सर, एक लाइन एक बार ख़वातीन को गुजारते हैं, उनको फिर रोक के फिर सेकंड लाइन मर्दों की होती है। इसी तरह इकट्ठे नहीं दोनों को लेके आते हैं। हाँ, इस चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। एक दफ़ा मर जाते हैं फिर उनको रोक के दूसरी बार फिर ख़वातीन के लिए यहाँ पे खोल दिया जाता है। जी जी, ऐसे आप नहीं समझते कि मामला जो हैं वो ज़्यादा देर लग जाती है? अभी ख़वातीन भी बाहर कह रही थी कि 3 घंटे हो गए। सर बेसिकली रश बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको पता है ऐसे मामला हो जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। हम हर साल कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करने का। जी जी, तो बस ये अल्लाह पाक ने ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं, इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश ही है और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी हमें यकीन है कि हम इसे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो का मकसद यही कि आपको हकायक जो है यहाँ से बराह रास्त दिखाए जाएँ, और मैं भाई को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस मौजू पर बात की है। अदरवाइज़ अगर इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट किया जाए तो जवाब देने से कासर होते हैं, लेकिन भाई ने जो है वो जवाब दिया है और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। कोई भागे नहीं है कि मुझसे सवाल इस तरह का हो गया। इंतज़ामिया पर भी जो है उन्होंने बात किया, तो इंतज़ामिया के हवाले से कोई पैगाम दे दें उनको कि जो जी सर यहाँ पे हमारे सारे भरे मौजूद हैं उन सब की तरफ से सबके लिए यही पैगाम है कि आएँ, खुश तरीके से आएँ, जैसे लंगर लेने का तरीका है उस तरीके से लंगर लें। हम भी देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी भी ड्यूटी लगी हुई है। इंशाल्लाह ताला हमने ड्यूटी निभानी है, अच्छे तरीके से हमने भी बांटना है इंशाल्लाह ताला। आई होप नाजरीन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मजीद इस हवाले से इंशाल्लाह ताला दाता हजूर के दरबार से, दाता हजूर की नगरी से आपको बराह रास्त जो है वो मनाजर दिखाते रहेंगे। अपने मेज़बान से सैयद राहील हुसैन रिज़वी को इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।